कहते हैं सत्ता और सुंदरी का संबंध आदिकाल से चला आ रहा है। भारत में जब राजे रजवाड़ों का चलन था तो उस वक्त सैकड़ों पटरानियां रखने का भी चलन था, लेकिन स्वतंत्र भारत की राजनीति करने वालों का सेक्स स्कैंडल जब जब सामने आया है, बड़ा हंगामा बरपा है। नमस्कार, मैं खबरी लाल जनार्दन आज आपको आजाद भारत की राजनीति में सेक्स स्कैंडल की भूमिकाओं की ओर ले चलूंगा। आज पहला किस्सा है जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का। साल 1977 से 1979 के बीच हचकोले खाती जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार में रक्षा मंत्री जगजीवन राम बड़े नेता बनकर उभर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि वे स्वतंत्र भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सारी परिस्थितियां उनके पक्ष में बन रही थी, सिवाय सूर्या मैगजीन के साल 1978 के एक अंक में छपी उनके बेटे सुरेश राम की एक तस्वीर के। इस तस्वीर में जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा जा रहा था। स्वतंत्र भारत की राजनीति का यह पहला मौका था जब किसी राजनेता या राजनेता से जुड़े किसी शख्स की ऐसी तस्वीर किसी पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वह दौर राजनीतिक तूफान का था। इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाना, जनता पार्टी की लहर आना और उसके बाद सुरेश राम की ये तस्वीर आना, पूरे राजनीति में एक बवंडर जैसा माहौल था। लेकिन उससे भी ज्यादा बवंडर किसी ने मचाया था तो वो थी मेनका गांधी और नेशनल हेराल्ड के प्रधान संपादक खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह नेशनल हेराल्ड के प्रधान संपादक के साथ साथ सूर्या के कंसल्टिंग एडिटर भी थे। बताया जाता है कि खुशवंत सिंह ने मामले को जबरदस्त तरीके से उछाला। मामले पर तब तक लेख खबरें प्रकाशित करते रहे जब तक कि वे मामले की सच्चाई के करीब नहीं पहुंच गए। तब सामने आई जानकारी के अनुसार स्कैंडल में दिख रही युति दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज की छात्रा थी। वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली थी। बाद में आई जानकारियों के मुताबिक सुरेश राम को उस छात्रा के साथ शादी भी करनी पड़ी, लेकिन उनके परिवार ने युवती को नहीं स्वीकारा। सुरेश राम की मौत के बाद युवती को घर से बाहर निकाल दिया गया। एक तस्वीर के सामने आने और उसके बाद हुई रिपोर्टिंग ने एक शख्स के पीएम बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। यहां पर एक बड़ा सवाल उठा कि ये तस्वीर मेनका गांधी या सूर्या मैगजीन या खुशवंत सिंह तक पहुंचाई किसने। इस सेक्स स्कैंडल के सामने आने से जगजीवन राम के राजनीतिक करियर को करारा झटका लगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात निकल करके सामने आई कि यह खुलासा उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों ने किया था। कुछ पत्रिकाओं का दावा था कि जगजीवन राम के करियर को समाप्त कराने के लिए इस स्कैंडल का खुलासा कराया गया था। इसमें दबे सुर केसी त्यागी, ओमपाल सिंह और एसपी सिंह जैसे बड़े नेताओं का नाम सामने आया था। स्वतंत्र भारत के पहले ही सेक्स स्कैंडल की कहानी से यह लगता है जैसे यह कोई राजनीतिक विषाद थी। साल 2018 आते आते युवा नेता हार्दिक पटेल अपनी सेक्स सीडी पर कहते हैं कि यह उनके विरोधियों की चाल थी। यानी कि अब सेक्स सीडी ऐसे वक्त पे आती है जब इसका आगामी चुनाव में फायदा उठाया जा सके। इस कड़ी को हम और आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल लोकमत न्यूज हिंदी पर। हमें वहां बेल आइकन से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की खबरें हम आपको देते रहें।